एवरीवन दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग दैट व्हाट वर द रीजंस क्या कारण थे जिसकी वजह से ट्राइबल अपराइजिंग हुई ठीक है जी तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन ऑफ द ट्राइबल अप्राइजिंग द फर्स्ट रीजन एज दैट ना विन दलोनी विद यू नो विद कलोनील एडमिनिस्ट्रेशन वट वॉज है रेलेटिव आइसोलेशन राइट तो क्या हुआ जो ट्राइबल्स थे जो ऑल द ट्राइबलिशन अकेले रहते हैं वो दुनिया से कट कर रहते हैं सो द आइसोलेशन ऑफ द ट्राइबल्स एंडेड दे स्टार्ट लॉट ऑफ इंटरफेयरेंस इन देअर आइसोलेशन एंडेड इंटरफेयरेंस इन देयर डेली अफेयर्स राइट एंड दिस जब विन आइसोलेशन एंड दिस लेट टू बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस एंड वॉज मोर इंटरफेयरेंस एंड देर वॉज लॉट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ट्राइबल्स एंड बिकॉज ऑफ ऑपरेशन पीपल आर वेरी एंग्री एंड लेट टू अपराइजिंग राइट नंबर वन रीजन ऑफ द ट्राइबल अपराइजिंग दूसरा कारण देखते हैं द दे जो ट्राइबल चीफ होता था ट्राइबल चीफ ही वॉज कॉल्ड अमींददार ट्राइबल चीफ ही वॉज कॉल्ड अ जमींदार जमींदार now what happened that uh, and there was a new taxation system was introduced now he was treated as a zamindar and his lands were taken away if he did not pay the rent so that was one plus the second thing there was a new taxation system let's put it as a third point new taxation system New taxation system, which led to exploitation of the tribals. Then there was uh, Christian missionaries. They also uh, were interfering a lot in the uh, uh, life of tribals because of which they were, there was a lot of uh, agitation by them, and uh, this led to tribal uprising. And then, you know, money lenders and these all these, you know, uh, traders, uh, they came as middlemen, right? Money lenders, money lenders came as as middlemen. जब हुआ क्या जब ये मिडल मैन की तरह आ गए यहाँ पे तो दे स्टार्टेड एक्सप्लोटेशन एंड जो आउटसाइडर्स है ना दीज आर आउटसाइडर्स ओनली राइट दीज पीपल दे आर आउटसाइडर्स सो वॉट डिट दे डू दे टुक अवे टुक लैंड ऑफ ट्राइबल्स टुक लैंड ट्राइबल्स अगेन एंग्री एंड बिकॉज ऑफ दिसबलो नोन दिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ट्राइबल permanent settlement system which came the year 1793 we have talked about this in detail earlier also i will not go into details of this number 7 there is more reason uh, over here because at the time of lord hardinge right lord hardinge what happened that forest laws were introduced in india right and these forest laws they prohibited podu cultivation prohibited podu 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 means shifting cultivation डू इज सेम शिफ्टिंग कल्टीवेशन ठीक है तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के इसने मना कर दिया तो और ट्राइबल्स गुस्सा खा गए राइट एंड देन वॉट मोर वॉज देयर इन ट्राइबल लॉज इन अंडर ट्राइबल लॉज देर वॉज टैक्सेशन वॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स टैक्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स अब अगर आप फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पे टैक्स लगा देंगे तो ट्राइबल को तो गुस्सा ही जाएगा ना तो दैट इज़ व्हाट हैपन देन समथिंग मोर वाज़ देयर विद द ट्राइबल अपराइजिंग आई एम जस्ट राइटिंग इट हेयर यू कैन सी दैट देबॉलिश ह्यूमन सेक्रीफाइस ब्रिटिशर्स अबॉलिश ह्यूमन सेक्रीफाइस ना ऑल दो इट इज़ गुड थिंग बट ट्राइबल थाट दिस इज अगेंस्ट देयर कल्चर देयर विशेज एंड बेसिकली दिस वॉज डन बाय द खोन्ड्स के एच ओ एन डी एस खोन्स खोन्ज आर फ्रॉम ओडिशा तो खोड्स करते थे एंड गोंड्स गोंड्स भी करते थे जी ओ एन डी एस गोंड्स सो दीज टू पीपल दे वर वेरी एंगली एंड गोंड्स आर फ्रॉम अडिलबाद दैट इज़ आंध्रा ठीक है तो कुछ जनरल ऑब्जरवेशन कुछ और हैं मेरी ट्राइबल्स को लेके एंड वॉट आर दो ऑब्जरवेशन आई टॉक अबाउट दैम एक तो जो ट्राइबल थे दे डिड नॉट अटैक ऑल आउटसाइडर राइट वर ट्राइबल्स ट्राइबल्स डेंट अटैक ऑल आउटसाइड ठीक है ऑल डिट अटैक ऑल कुछ ट्रैक करते थे ठीक है दूसरी बात जो जो ब्रिटिशर थे वो उन्होंने ट्राइबल्स को कहा था कि यू आर ट्राइबल रेबल्स एंड नॉट एज इंडिविजुअल ट्राइब्स वो उनको ट्राइब की तरह नॉट नॉट एज इंडिविजुअल ट्राइब्स उनकी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं इंडिविजुअल ट्राइब की तरह उन्हें नहीं देखते थे राधा उनको सारी ट्राइब्स को कहते थे कि आप एक ही ट्राइब की तरह मानते थे और उनको एक ट्राइबल रेबल कहते थे दे वुड कॉल दैम ट्राइबल

वो ब्रिटिशर से फाड़ रहे लड़ रहे थे और जो ब्रिटिशर थे वो कैसे लड़ रहे थे उनके साथ मॉडर्न वेपन्स के साथ गन के साथ गन का नाउ इमेजिन वेयर वुड ट्राइबल स्टैंड इन दिस केस ओके सो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ द ट्राइबल अपराइजिंग यू शुड बी नोइंग एंड आंसर इसको आप सारे आंसर्स में लिखिए ये मेन प्रीलिम के अंदर बेसिक क्वेश्चन बनकर आ सकता है ओके नाउ आई विल टॉक टू यू अबाउट वेरियस ट्राइबल अपराइजिंग फॉर एग्जांपल आई विल टॉक टू यू अबाउट द संथल अपराइजिंग But before I talk to you about these Santhal uprisings and all, I would like to clarify one thing that I am not going to talk about each and every uprising uh, that uh, that exists there because there are the hundreds and hundreds of them. I'm talking about main ones only, and Santhal hul is actually one of the important, most important uh, tribal uprising that you need to know, right, Santal hul. नॉ वैन डिट दिस हैपन दिस हैज बिन आज इन पेपर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स राइट मैक्सिमम हिस्ट्री का आज तक का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ जो इतनी बारी पूछा गया हो जितना संथल हुल के ऊपर पूछा गया है चाहे वो स्टेट पी सी एस है जैसे रिसेंटली हिमाचल पी सी एस के अंदर इफ यू सी दिस क्वेश्चन वॉज आज इन टू थाउजेंड फिफ्टीन अभी जो हो क्या है कुछ दिन पहले ही एंड दे दिस हैजिन आज सो मेनी टाइम्स इन राजस्थान पेपर आंध्रा प्रदेश का पी सी एस यू पी एस सी एज आज एड सो मेनी टाइम्स दट कैनॉट इमेजिन okay so this has this um, uh, Santal uprising that this happened in 1854 to 56 and this was a very very massive uprising i will be talking to you about that why a particular uh, uh, some, uh, tribal uprising was happening now because they opposed as i said the, the, the biggest reason was the, uh, the british land revenue policy now, this uh, was also against the britishers land revenue policy now, दिस थिंग इट वट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ़ दिस इम्पैक्ट की अगर बात करें ऑफ दिज अपराइजिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट संथल अपराइजिंग वॉज इम्पैक्ट ऑन रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन ठीक है जी इसके ऊपर इसका काफ़ी बड़ा असर रहा रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन के ऊपर संथल अपराइजिंग का ओके सो वट एल्स अगर इसके बात करें जो संथल होते थे वो एरिया क्या था इनका अगर एरिया की बात हम करें एरिया सो दे एरिया दे लिव्ड इन बिहार अराउंड दैट एरिया ऑफ भागलपुर एंड राजमहल आई एल राइट इट हेयर भागलपुर एंड राजमहल इस एरिया के बीच में ये लोग रहते थे एंड दिस वॉज इन बिहार ऑफ कोर्स एंड देन यू नो एरिया जो इनका एरिया था उसको दमन ई को भी कहते थे एंड जो ये एरिया को क्या कहते थे दमन ए को दमन ए को एंड जो आउटसाइडर्स होते थे यहाँ पे उनको डिकूज कहते थे इनके बारे में जो बात जानने वाली आपके लिए ठीक है जी डिकूज और जो इनके जो दो मेन लीडर्स थे अगर इनके लीडर्स की बात करें हम वो लीडर्स कौन से थे इनके इनके जो मेन लीडर्स थे उनके अंदर एक ये क्वेश्चन पेपर में आया था हिमाचल के अंदर उनके नाम क्या थे तो दो इनके मेन दो लीडर्स इनका नाम थे सिद्धो और कानू कानू के ए एन एच यू

कि ब्रिटिशर्स को हराया ही नहीं जा सकता इन्होंने इस मिथ को भी बर्स्ट यहाँ पे कर दिया कि उनको भी हराया जा सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता कि ना हराया जा सकता हो ठीक है और जो मूवमेंट थी ये इट वाज इट वाज क्रश्ड बैडली राइट एंड एंड क्या हुआ मूवमेंट का इट वाज क्रश्ड बैडली राइट क्रश्ड बैडली तो ये हो रहा था इनकी मूवमेंट के टाइम पे इस टाइम पे ठीक है And so now I would just uh, draw the line here for all the, for the next one. So that was santal Hul, nothing much no more to know about it. And uh, next important one is Thadau Revolt T T H A D O U Thadau Revolt. Now, this was in uh, uh, Kuki in Manipur in uh, 1917. This was quite late actually, but even then, you should be I'm covering all the tribal movements, so this should be fine. ओके okay, तो 1917 के अंदर ये हो रहा था ठीक है और ये कहाँ पर एरिया हो रहा था दिस वॉज इन मनीपुर एंड राइट ना इन दिस देवर टू इम्पोर्टेंट पीपल वन वॉज द पीपल हेयर वन इज़ द रानी गंदैलियू राइट गंदैलियू आई डोंट आई डोंट रिमेम्बर स्पेलिंग इट वॉज जी एन डी ई आई एल ओ यू एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना है इसके गंदैल्यू के ठीक है ई आई ओ एल ओ यू ठीक है रानी गंदैल्यू एंड कजन एंग आनाज ऑल्सो देयर राइट अगर आपको ये दोनों स्पेलिंग चेक करने पड़ेंगे आई कॉन्ट रिकॉल देयर एग्जैक्ट नेम्स और uh, जो नहर शी वट वो स्पेशल अबाउट रानी शी वॉज कॉल्ड एज द डॉटर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो रानी गंदैली हुई थी इंडियन इंडिपेंडेंस और किसने कहा था इनको ये इनको ये टाइटल किसने दिया था इट वॉज गिवन टू हर बाय नेहरू नेहरू ने कहा था इनको ठीक है इस मूवमेंट के अंदर एंड शी वॉज रिलीज फ्रॉम जेल वेरी लेट एक्चुअली इवन शी वॉज रिलीज आफ्टर नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन इतना जाके लेट इनको जाके रिलीज़ किया गया था ठीक है तो uh, तो ऐसा था इनके बारे में सो हु इज द नेक्स्ट वन उसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट हम मैं आपसे बात करना चाहूँगा अबाउट द मुंडा अपराइजिंग ओके सो मुंडाउट डेट मुंडा ओके सो मुंडा अपराइजिंग जो थी इसके बारे में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मोवमेंट ओवर हेयर मुंडा अपराइजिंग एंड दिस वॉज इन दिन हंड्रेड नाइनटी नाइन टू समेर नियर वो डू कॉल दिस नाइनटीन हंड्रेड के आसपास ये मूवमेंट चल रही थी ठीक है जी और जो ये मूवमेंट थी इसके लीडर कौन थे लीडर की बात करें उनका नाम था बिरसा मुंडा Bersa Munda was the main leader over here okay एंड देवर uh, इनका जो था क्या एरिया मतलब uh, जो था इनका वो ओब्वियसली ये झारखंड और बिहार का ही एरिया था झारखंड और बिहार का एरिया चल रहा था एंड स्पेशल फीचर इनके बारे में देखिए एक तो इनका पहले वाई क्या था देवर एक्टिंग अगेंस्ट द क्रिश्चन मशीनरी एक्टिविटीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिश्चन मशीनरीज बहुत पॉपुलर हो गए थे उनके अगेंस्ट ये काम कर रहे थे तो उनके अगेंस्ट ये रिवोल्ट था बिकॉज ऑफ देअर यू नो प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाई दम एंड दे द न्यू रिवोल्ट इनका इम्पैक्ट क्या हुआ था ओवरऑल फाउंड न्यू कल्ट विच वॉज कॉल्ड सिंगाबोंग ठीक है सिंगाबोंग एंड इस टाइम पर अगर गवर्नर जनरल देखें दे फॉट अगेंस्ट लॉर्ड करजन ओवर है Uh, अगर हम इनके बारे में बात करें इन दे अ मूवमेंट एक्चुअली इम्पैक्ट के अंदर एक तो सिंगाबोंग uh, हुआ था यहाँ पे राइट right? दूसरी चीज़ इनके टाइम पर हुई थी दे स्टार्टेड सन्स ऑफ सॉयल मूवमेंट उलगलून कहते थे उल्गलून यू एल जी यू एल ए एन उलगलन राइट दिस इज द सन ऑफ सनज ऑफ द सॉयल मूवमेंट जो इन्होंने चलाई थी यहाँ पर ठीक है इनके बारे में एक बड़ी खास स्पेशल बात जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो थी इन्होंने किया था अरण्यर अधिकार आरण्यर आ ए आर ए आरण्यर अधिकार राइट टू द फॉरेस्ट अरण्य जंगल ठीक है तो तो विच मीन्स इट राइट टू द फॉरेस्ट इट वॉज एक्चुअली नेम ऑफ द नॉवल विच वॉज रिटन बाय महाश्वेता देवी महाश्वेता देवी एंड इट वॉज पब्लिश इन नाइनटीन सेवनटी राइट एंड दिस नॉवल वॉज बेस्ड द दिस मुंडा रेबेलियन एंड इवन महाश्वेता देवी गॉट ह्यूज प्राइज यू गॉट साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार फॉर अरण्यर अधिकार दिस वॉज इन बेंगोली जो इन्होंने लिखा था ठीक है सो दैट इज ऑल अबाउट ट्राइबल अप्राइजिंग सी देर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर ट्राइबल अप्राइजिंग मूवमेंट बट दीज थ्री आर द मेन वनस एंड आई डो नॉट थिंक एनी अदर होल्ड्स मच वेल्यू एज थ्री दीज थ्री डज ठीक है इफ यू वॉन्ट टू स्टडी यू मे बट फ्रॉम माई साइड दिस इज अफ फॉर द पेपर राइट and uh, uh, santhal rebellion out of this is the most important one and do expect that in paper right so uh, that is all and if you like our video please do share with others and second thing is you can subscribe to our channel if you subscribe to apukhafada hoga jitni uh, my videos post karunga i all those videos would come directly into your mail account right so that is all and thank you for watching